फिल्म की स्टोरी कुछ इस प्रकार है। कालाहारी रेगिस्तान के विशाल विस्तार में, जहां रेत रहस्यों को फुसफुसाती है और आकाश अंतहीन रूप से फैला हुआ है, अप्रत्याशित मुठभेड़ों और अप्रत्याशित दोस्ती की एक कहानी शुरू होती है। इस कहानी के केंद्र मेजी है, जो बुशमैन जनजाति का सदस्य है, जो मशीनों और उद्योग की हलचल से भरी दुनिया से दूर प्रकृति के बीच मजेदार ढंग से रह रहा है। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जैसे ही सूरज रेगिस्तान के ऊपर निकलता है, आसमान से एक अजीब वस्तु नीचे गिरती है। यह एक कांच की कोका कोला की बोतल है, एक झिलमिलाता रहस्य जिसकी कोई जानकारी नहीं है। जी, जो अपनी मान्यताओं में दृढ़ है, इस बोतल को एक दैवीय उपहार के रूप में देखता है, उनके देवताओं द्वारा दिया गया खजाना। जिस तरह वे पौधों और जानवरों के उपहारों को संजोते हैं, उसी तरह वे इस नए आश्चर्य को अपनाते हैं, इसके असंख्य उपयोग खोजते हैं। लेकिन बोतल की विशिष्टता जनजाति के बीच अप्रत्याशित तनाव पैदा करती है और कलह के बीज बो देती है। एक साधारण लंगोटी पहने और कर्तव्य की गहरी भावना से प्रेरित होकर जी दुनिया के अंतिम छोर की यात्रा पर निकलता है। उसका मिशन उस रहस्यमय बोतल को दूर लेकर दुनिया के अंत में इसे फेंक देना है, जो जाने अनजाने उसके परिवार में संघर्ष का कारण बन गई है। एंड्रयू स्टीन एक जीव विज्ञानी है, जो जानवरों के अपशिष्ट के अध्ययन में लगे हुए हैं। उनके साथ उनके सहायक एम्पुरी भी हैं। उनकी वैज्ञानिक खोज उन्हें केट थॉम्पसन तक ले गई, जो एक उत्साही महिला है और एक ग्रामीण शिक्षक बनने के लिए जोहान्सबर्ग की हलचल को पीछे छोड़ वह यहाँ आई है। जैसे ही उनकी दुनिया टकराती है, वे एक अप्रत्याशित साहसिक कार्य में फंस जाते हैं। इस जटिल कहानी के बीच में रहस्यमय सैम बोगा के नेतृत्व में गुरिल्ला सेनानियों का एक समूह की एंट्री होती है। इनके एक असफल हत्या के प्रयास के कारण इनके खिलाफ एक तलाशी अभियान शुरू हो जाता है, जिसमें सरकारी सैनिक विद्रोहियों की तलाश करते हैं। भाग्य के धागे आपस में जुड़ते हैं, जी स्टेन एम्पुरी और थॉम्पसन को एक साझा कहानी में ले आते हैं। जैसे जैसे टेपेस्ट्री सामने आती है, हम थॉम्पसन के साथ जुड़ने के स्टेन के प्यारे लेकिन अनाड़ी प्रयासों को देखते हैं। उसे संकट से बचाने के उनके प्रयास वीरतापूर्ण और कॉमेडी दोनों हैं। जैक, जो एक सफारी गाइड के आ जाने से और भी अधिक हो गए हैं। अराजकता के बीच जी खुद को कैद में पाता है, जो उसे एक अप्रत्याशित रास्ते पर ले जाता है। भाग्य के एक शानदार मोड़ में जी का कौशल और ज्ञान उनके सामूहिक अस्तित्व की कुंजी बन जाता है। सरल ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स और अपरंपरागत रणनीति के माध्यम से वे गुरिल्लाओं पर काबू पाते हैं और एक घमासान युद्ध में स्थिति को बदल देते हैं। फिर भी जैसे ही जीत क्षितिज पर चमकती है, कहानी एक मार्मिक मोड़ लेती है। जी उसकी यात्रा पूरी हो गई है, वह चट्टान पर खड़ा है जिसे गॉड्स विंडो नाम से जाना जाता है। यहाँ नीचे की दुनिया पर मंडराते बादलों के बीच वह अपनी यात्रा पर निकलता है। संकल्प से भरे हृदय के साथ वह बोतल को खाई में फेंक देता है, जो एकता और मुक्ति का प्रतीक है। जैसे कि रेगिस्तानी हवाएं विजय और जुड़ाव की कहानियाँ सुनाती हैं, द गॉड मस्ट बी केजी हसी सौहार्द और मानवीय भावना के लचीलेपन से बुनी हुई टेपेस्ट्री के रूप में सामने आती है। कालाहारी की शुष्क सुंदरता के बीच स्थित यह असाधारण कहानी हमें सिखाती है कि रेगिस्तान की विशालता में भी नीति द्वारा बनाए गए बंधन संस्कृतियों को पाट सकते हैं, सीमाओं को धुंधला कर सकते हैं और हमें याद दिला सकते हैं कि सबसे बड़ा खजाना यात्रा है।